बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज फिर एक नई अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल दानिश परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबा दें, साथ बने घंटी आइकन दबा दें और ऑल पे सेट कर दें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। कुछ लोग बड़े दिल वाले हैं जो डेली लाइक करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत कंजूस हैं, वो लाइक तक नहीं करते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो बात समझना है कमेंट करके पूछ लिया करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कमेंट करके पूछते भी नहीं है, बस लाइक डिसलाइक भी नहीं देते, इसी तरह वीडियो देख के चले जाते हैं। तो उम्मीद है ये जितनी बातें हैं आपको समझ आ रही होंगी। जो लोग भी इस वक्त दुबई के लिए खासकर ट्रेवल कर रहे हैं उन लोगों को इस वक्त मसला आ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। वजह क्या है कि आप लोगों के पास जो शो मनी है वो 5000 दिरहम से कम थी। जितने लोगों को भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया है उनके पास 5000 इमराती दिरहम से कम करेंसी थी, क्योंकि जिन लोगों के पास 5000 दिरहम से ज़्यादा या 5000 दिरहम इमराती दिरहम नहीं होंगे या उनके पास होटल बुकिंग नहीं होगी उनको दुबई में अब इंटर नहीं होने दिया जाएगा। दुबई में बहुत ज़्यादा सख्ती बनी हुई है, इसलिए जितने लोग भी चाहे आप 60 दिन के विजिट वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप 30 दिन के विजिट वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने पास होटल बुकिंग, कंफर्म टिकट और 5000 दिरहम शो मनी लाजमी रखें। अगर आपके पास डबल टिकट कंफर्म टिकट नहीं होगा फिर भी आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर भी आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टिकट आपने डबल कंफर्म टिकट रखने, ये नहीं हो कि डमी टिकट। डमी टिकट अब बिल्कुल नहीं चल रहे। जिन लोगों जो लोग डमी टिकट के ऊपर पहले ट्रैवल कर रहे थे वो लोग दुबई से डिपोर्ट, काफ़ी लोग हुए हैं जो समझते थे कि हम लोग दुबई से गुजर जाएंगे, दुबई वाले बेवकूफ़ हैं, बस हम लोग को सिंगल टिकट के ऊपर ही छोड़ देंगे, दूसरा टिकट तो हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं पीछे जो उनका एजेंट होता है वो दूसरा टिकट उनका कैंसिल करवा देता है, एक टिकट के ऊपर ही बस वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। दुबई वाले अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, उन्होंने देखा है कि पाकिस्तानी यहाँ पे आकर करते क्या हैं, तो फिर इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया है। वजह यह है शो मनी, होटल बुकिंग और टिकट जो है उनका, दोनों टिकट जो हैं वो कंफर्म नहीं थे, ये वजह है। तो आप जब भी दुबई के लिए ट्रैवल करें खासकर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो आपने फिर ये चीज़ें अपने लाजमी रखनी। बाकी एयरपोर्ट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर इन दिनों में बहुत ज़्यादा सख्ती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।